आ जाओ आराम से बैठ जाओ। तुम ठीक हो ना? आज से पहले मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, पर जिस पल लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, पहली बार मेरे हाथ दुआ के लिए उठे, पहली बार हाथ जोड़े उसके सामने कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर। रात बहुत हो गई, मैं सो जाती। नहीं, ऐसे नहीं सोने दूंगा तुम्हें। हाँ? अरे बाथरूम चलो, याद है ना गुरुमा ने क्या कहा था? क्या? कि तुम्हें ठंडे पानी में वो जड़ी बूटी डाल के नहलाना है। चलो। क्या? चलो 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 चलो। इतनी रात को इतने ठंडे पानी से मुझे नहीं नहाना। अरे मैंने कहा ना चलो चलो। ये देखो। क्या? नहीं ये देखो, तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं नहाना। नहीं नहाओगी तो तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगा। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। पहले पास आने के बहाने यार अब नखरे। चुपचाप चलो। उतारो मुझे। चलो मुझे नीचे उतारो। नहीं नीचे उतारो मुझे। इस तरह अचानक बुलाया, क्या बात है? अब तक तो आपने उस नागिन को मार ही दिया होगा, है ना? अब तो कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है ना हमारे परिवार और हमारे घर पे? खतरा है, वो नागिन अभी तक जिंदा है। हाँ? मरी नहीं, कोई है, कोई है उसका मददगार, ले गया उसे उड़ा के। मतलब अगर वो नागिन बच गई, वो जिंदा है गुरुमा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि वो नहीं बचेगी, आपके हाथों वो कैसे बच सकती है? गुरुमा अब आप ही कोई उपाय कीजिए। शांति शांति, इतना खौफ अच्छा नहीं होता गुरुमा के सामने हो तो। ये लो खंजर। ये खंजर? गुरुमा जब आप कुछ नहीं कर पाई तो खंजर क्या करेगा? ये खंजर नहीं, मारन का जहर है, जहर उस नागिन से भी ज्यादा जहरीला। मेरी पूरी जिंदगी की सिद्धि है इसमें, इसकी एक बार से वो नागिन धराशायी हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। ये एक खंजर है जो उसे मार सकता है, वो जरूर आएगी, और आए
तो इस खंजर से प्रहार करना उस पर, ऐसा वार करना कि वो मर जाए। जाओ ले जाओ इस मरनहार को और ढूंढने दो मुझे कोई दूसरा उपाय। जाओ। चलिए यामिनी जी। जी। एक मिनट। शिवन्या ये तुम्हारे लिए। शिवन्या अंकित जी एक मिनट, ये चेन तो देखिए, ये मुझे अभी भी गुफा में मिली। और तो ये चेन भी वही है और ये पेंडेंट भी वही। जानते हैं आप ये चेन मैंने किसे दी थी? किसे? शिवन्या को। शिवन्या को मतलब? मतलब ये कि शिवन्या यहाँ आई थी, वरना ये चेन यहाँ कैसे? लेकिन शिवन्या यहाँ क्यों आई थी? पर इस चेन का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि शिवन्या यहाँ आई थी। शिवन्या यहाँ। शिवन्या कुछ नहीं होगा तुम। शिवन्या अपनी आंखें खोल। शिवन्या बात करो मुझसे। शिवन्या बस सोना मत, आंखें खुली रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं शिवन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। इतनी परवाह है ऋतिक को मेरी, और मैंने इतने सच्चे इंसान से आज फिर झूठ बोला। क्या सोच रही हो शिवन्या? ऋतिक। फिर ऋतिक? सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हो तुम? मुझसे ज्यादा वो मेरे बारे में सोचता रहता, बस वही सोचकर परेशान थी। आज फिर वही हो, फिर से मैंने उसे झूठ बोला, उसका फायदा उठा। आज फिर से उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली और फिर मैंने। फिर तुम्हें प्यार हो गया? नहीं, ये प्यार नहीं है। तो फिर क्या है शिवन्या? शेष, जो हमारे लिए अच्छा सोचते उनके लिए। उसके लिए इतना मत सोचो। किसी के लिए भी इतना सोचने का मतलब होता है प्यार। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना शिवन्या? शिवन्या तुम अपना मकसद भूल गई हो या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है? और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना तो कुर्बानी। एक इच्छाधारी नागिन की शक्ति खो दोगी तुम, अपना इंतकाम खो दोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उससे प्यार नहीं करती, नहीं भूली हूं अपना मकसद, अपना इंतकाम। इंतकाम की इस राह पर चलते चलते अगर मुझे अपने वजूद की भी कुर्बानी देनी पड़े तो कोई गम नहीं। शेष, तुम मेरी परीक्षाएं लेना बंद कर। और ये लो, ये मुझे पंचनेर की हवेली में मिली। वहां देवड़ी के अंदर भी एक और देवड़ी थी। जाकर इसे गुरुदेव को देना, वही पता लगाएंगे कि ये किसका है। छोटी मालकिन बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है,
आप चलिए, मैं आती हूँ। माँ, आपने बुलाया मुझे? रतिक, मैं तुम्हारी पत्नी से कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछ लूँ? माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी बहू है, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। शिवन्या, अगर तुम्हें याद है तो मैंने तुम्हें एक चेन दी थी। मैंने खुद वो चेन तुम्हें दी थी, उसमें एक लॉकेट भी था। कहाँ है वो चेन? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो चेन कहाँ है? माँ, वो मेरे तुम्हारे पास नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ, वो मेरे पास मेरे पास